सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि वो इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने कुछ शब्द कहें। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी इतना बड़ा नाम है, बहुत सारे युवा वैज्ञानिकों के लिए वो प्रेरणा हैं, और अभी वर्तमान में वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं। उनके बारे में अधिकतर चीज़ें सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं जो गांव से लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, सरफेस साइंस जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उन्होंने पीएचडी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से किया। उससे पहले वो आईआईटी कानपुर के छात्र रहे थे, वहाँ से उन्होंने बीटेक किया था, और उसके बाद आईआईटी कानपुर में ही प्रोफेसर के पद पर काफ़ी समय तक उन्होंने कार्य करते रहे हैं। उन्होंने लगभग अपने शोधों के माध्यम से 15 पेटेंट्स हासिल किए और 350 पेपर से ज़्यादा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में उनके पेपर पब्लिश हुए हैं। जनवरी 2015 से आप भारत सरकार के डीएसटी मंत्रालय के डीएसटी विभाग में सचिव पद पर कार्यरत हैं, और जहां पर आपने बहुत नए नए इनिशिएटिव विज्ञान के प्रसार के लिए स्टार्ट किए हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग, साइबर एनर्जी एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो ये कुछ इनमें से बहुत ही नए फील्ड्स थे जो भारत में आप लेकर आए और उनको लीड किया। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनमें से मुख्य हैं इंफोसिस प्राइज जो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, TWS साइंस प्राइज, जेसी बोस फेलोशिप, SS भटनागर अवार्ड और मेघनाथ साहा मेडल। ये लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी जानकारी सीमित है, लेकिन अच्छा, इसके अलावा आप बहुत सारी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके फेलो हैं, जिनमें से इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। तो आज ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इतने महान वैज्ञानिक लीडर के द्वारा हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हम सबको आपको सुनने का अवसर मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी। जी नमस्कार, सभी को सुप्रभात। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? ठीक आ रही है? जी सर, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडिया। बहुत अच्छी पहल है और ये दूसरा इसका दूसरी बार हो रही है ये, तो इससे निसंदेह बहुत लोगों को इसमें बहुत फायदा होगा। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रबोध त्रिवेदी डायरेक्टर CIMAP हैं, तो वो इस तरह का कार्य करते हैं। उसके अलावा डॉक्टर खनूजा ने से अभी आपने सुना उनके विचार, जो बहुत गहराई में जाकर के इस बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं पहले भूल जाऊं इसके पहले ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हमारे जो आगे की पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस पर बहुत ध्यान की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद को भी युवा पीढ़ी में ही मानता हूँ और आगे की पीढ़ी में ही मानता हूँ। हम सभी आगे की पीढ़ी में ही सम्मिलित हैं, हम उनकी तरह सोच सकें तो उनको ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं सभी अपने युवा मित्रों से हरदम ये कहता हूँ कि देखिए, कुछ लोग युवा होते हैं, यंग पीपल एंड यंगर पीपल, लेकिन बूढ़ा आदमी कोई नहीं होता, मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। तो हमें सब उस ऊर्जा के साथ मिलके कार्य करना है। ऊर्जा और एक्सपीरियंस, ये इन दोनों का मिलाप जब हो जाता है तो उसके द्वारा बहुत कुछ संभव है। इसीलिए हमारी जितनी भी कमेटी होती हैं उसमें हम चाहते हैं कि युवा लोगों की भी बराबर भागीदारी हो, क्योंकि इसका कारण बहुत आसान है समझना। क्योंकि युवा लोगों में एक ऊर्जा जो होती है, जो नए विचार होते हैं,
नई चीजें पढ़ते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ ही जो हम कम युवा हैं उनको जो एक्सपीरियंस, उनको जो अनुभव है उसको साथ ला करके एक ही प्लेटफॉर्म पर जब इन दोनों का सम्मिलित होते हैं तो उसके द्वारा जो परिणाम निकलते हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है हर चीज़ के अंदर, न केवल उम्र का बैलेंस, ऑल्सो जेंडर का बैलेंस। अभी भी मैंने इसमें देखा, इसमें हमारे आपके बहुत स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं जो अपने विचार रखेंगे, जैसे कि श्री कन्वल सिंह चौहान हैं, सभी पद्म अवार्डीज हैं, भारत भूषण त्यागी जी हैं, कलीमुल्ला खान जी हैं, मिसेस कृष्णा यादव हैं। तो देखिए कम से कम एक इसके अंदर वुमेन है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बैलेंस रखें, क्योंकि जो हमारी समस्याएं हैं चाहे ग्रामीण की हों चाहे शहरों की हों, वो खाली एक जेंडर की समस्या नहीं है। तो उन समस्याओं को समझना और इनके निदान सुझाना, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की जरूरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो विचार आदमियों को आएंगे उसमें जो होता है बहुत सारे विचार चूक भी जाएं, क्योंकि क्या समस्याएं हैं जो बच्चे समझते हैं, अपनी समस्याएं समझते हैं, जो महिलाएं हैं वो कुछ समस्याएं समझती हैं जो कि आदमी नहीं समझते। तो इन सब का मिला जुला होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको हम ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसके अंदर, और मैं डॉक्टर मनीष कुमार जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बारे में बहुत अच्छी पहल की है आप सभी ने मिलकर। देखिए ऐसा है कि ये जो चर्चा कर रहे हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं, तो इसका एक आयाम नहीं है, एक आयाम तो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। असल में हमारे देश में इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी इसकी बहुत कमी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि इसकी कुछ कमी है इसीलिए हमारे समाज का भला नहीं हो रहा, उसकी एक्चुअली कमी उसकी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि भारत अभी तीसरे नंबर पे है पूरे विश्व में हमारे जो साइंटिफिक पब्लिकेशन है उसमें, चाहे वो पब्लिकेशन नैनो टेक्नोलॉजी के हों चाहे मेटेरियल साइंस के हों, बहुत ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, तो हमारी जो नॉलेज है उसको उसको क्रिएट करना उसमें बहुत कमी नहीं है। कमी किस चीज़ में है? ये भी बात सही है कि हमारी जो विज्ञान के जो फल हैं वो समाज तक बहुत अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे जो प्रोसेस हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, हमारा जो आर्किटेक्चर है जैसे हम कार्य करते हैं, उसके अंदर जो जुड़ाव है विभिन्न वर्गों का, वो जुड़ाव बहुत कमजोर है। तो इसका उदाहरण दें, एक तो है कि हम जो नॉलेज क्रिएट करते हैं उसका कई बार उसका कोई डायरेक्शन में थोड़ी कमी होती है, उसके रेलेवेंस में कमी होती है, लेकिन डायरेक्शन और रेलेवेंस वो खाली साइंटिफिक कम्युनिटी से नहीं आ सकता, क्योंकि ज़्यादातर साइंटिस्ट सोचते हैं कि वहाँ MIT में हो रहा है, वहाँ हार्वर्ड में हो रहा है, तो हम उसी को करते रहें, क्योंकि नए विचार नहीं आते। जब तक वो नए विचार तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे साइंटिस्ट धरती से जुड़े नहीं होंगे, और उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि कैसे जुड़ें, कैसे हम जानें कि क्या समस्याएँ हैं, कैसे उनका निदान खोज के लोगों तक पहुँचाएँ, तो उसका जो जुड़ाव है वो मैंने देखा है कि बहुत ही लिमिटेड है, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग की क्या तो प्रॉब्लम है और क्या उनके रिलेवेंट सोल्यूशन हैं जो कि कार्य करेंगे धरातल पर, उसके बारे में जो हमारी समझ है उसकी कमी है, और उसके अलावा वो सब हमारे साइंटिफिक कल्चर के भाग नहीं है। तो उसमें यह है चाहे अपने CSIR के अग्रणी वैज्ञानिक हों, कहीं के भी हों, यूनिवर्सिटी के बड़े हों, तो उनका विचार हदम ये रहता है कि हमें इस तरह का शोध करें कि बहुत सारे पेपर हो जाएं, अच्छे अवार्ड मिल जाएं, उसके अलावा वो मतलब बड़े वैज्ञानिक 1% वैज्ञानिक के नाम से जाने जाएं, वो सब ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सभी अपना अपना कार्य करते हैं। तो उसको
कैसे बढ़ाकर जो 10% लोगों को भी अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं समाज की समस्याओं के साथ और इनके निदान के लिए। इसके अंदर एक हमने नई पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अभी वो 1-2 महीने के अंदर उसको नोटिफाई कर देंगे, अब वो अपने अंतिम चरणों में है। इसका ख्याल आया कुछ 3-1 साल पहले, बैठे बैठे मैंने कहा ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो कॉर्पोरेट क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट के पास पैसा होता है उसके द्वारा वो कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास साइंटिस्ट के पास क्या होता है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR लैब्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, IIT हैं, इन सब के पास क्या होता है जो वो समाज को दे सकते हैं। तो अगर हम इस बारे में सोचें, हमारे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेस्टिंग तरह तरह का जो कार्य कर सकते हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, PhD स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम समाज के अलग अलग तबके तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, चाहे आप अपने स्कूल, अपने पास वाले स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी लैब में लाएं, अगर 1 दिन आपने उनके साथ बिताया तो वो इतने एक्साइट और इंस्पायर हो जाएंगे कि वो भी सोचेंगे कि हाँ ये साइंस है, ये रिसर्च है, इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ अच्छी चीज है। इसी तरह से आप इधर उधर जाके अगर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों से बात किया, उनकी समस्या समझी और फिर देखा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इसी तरह से MSME हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट चाहे रूरल में हो, अर्बन, सेमी अर्बन, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनकी जो समस्याएं हैं कि उसका वो उनके ग्लोबल सोल्यूशन और उनका निदान वो कर पाए, तो उसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके दिमाग का बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग हो सकता है। इसी तरह स्टार्टअप हैं, इसी तरह से जैसे कि डॉक्टर खनुजा जी ने बताया कि एक वॉस भी एक विमेन साइंटिस्ट स्कीम है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि जो विमेन साइंटिस्ट हैं जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, क्या वो किसी सामाजिक चीज में समाज के लिए कार्य कर सकती हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे हाइजीन का हो, तो ये उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो बैकग्राउंड है, उसका यूज किया जा सकता है इसके अंदर। लेकिन इसी को हम खाली उन तक ही सीमित न रखें, अगर हम इसको बहुत हर जगह फैला दें, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वॉलेंट्री है, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत लोग, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी हो, उनको ये कॉन्सेप्ट हो, तो वो बेशक खुद बहुत खुश होकर इसमें हिस्सा लेंगे। तो उसके लिए जो कुछ थोड़े बहुत उनको और भी रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसको हम उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे कि अभी SERB, DST जो भी प्रोजेक्ट देते हैं उसके अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कि आप चाहें तो एक टिक कर दें, एक या दो चीज़ें टिक कर दें कि हम ये एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए अगर आपको बस लानी है, कहीं स्कूली बच्चों की कहीं जाना है, कुछ करना है, उसके लिए जो 1-2 लाख रुपए की जरूरत होगी वो उसके साथ ही ग्रांट के साथ उनको दिया जा सकता है। तो उससे वो अपनी फिर एक्टिविटी रिपोर्ट कर देंगे हर साल कि हमने क्या किया। तो हमारे कुछ अगर 10,000 वैज्ञानिक भी लैब इसके अंदर जुड़ जाएं तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन देखिए ऐसा है कि उसमें जुड़ने में ताली ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो उसको जुड़ने के लिए 2 पार्टी की जरूरत होती है। तो ये हमारा एक ये हमारा सामुदायिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भागीदारी, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इस ग्रुप में चर्चा हो रही है, चाहे वो हमारी पंचायती संस्थाएं हो, चाहे वो हमारे स्कूल हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ये सब, और NGO हैं बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उनको भी थोड़ा आगे बढ़ करके इन सबको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है पुश, तो पुश आता है जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं उनसे, और एक होता है पुल, तो पुल आता है जो नॉलेज को यूज करेंगे। तो हमारी जो कमजोरी हरदम से रही है वो इन दोनों को बराबर परस्पर मिलके कार्य करने की है। तो
हमारे क्योंकि अब पुश के लिए टाइम नहीं होता लोगों के पास, के ठीक है हमने काम कर लिया, अब जिसको चाहिए वो ले ले, अब जिसको चाहिए वो ले ले, उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो इस तरह से एक इसका वो बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर पुश और पुल साथ साथ कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से ये पुश और पुल है, इसमें मैं बहुत जल्दी से ये समझाना चाहूंगा जो लोग हमें सुन रहे हैं, ये इससे भी रिलेटेड है कि प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो कई बार हम सोचते हैं कि इनोवेशन एक खास तरह का इन्वेंशन है जो बहुत अच्छा है, जो रेलेवेंट है, जो क्रिएटिव है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इन्वेंशन और इनोवेशन एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इसको, क्योंकि अगर हमें थोड़ी समझ होगी कि इन्वेंशन इनोवेशन में क्या फर्क है और वो कैसे साथ साथ कार्य कर सकते हैं, और ये बहुत अहम मुद्दा है इस बारे में जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन्वेंशन बेसिकली हम वो करते हैं जो R&D लैब करती हैं, यूनिवर्सिटी करती हैं, IIT करते हैं, आईसर करते हैं, सभी वैज्ञानिक लोग करते हैं। वो उसके लिए उनको पैसों की जरूरत होती है, तो पैसा अंदर जाता है, नॉलेज बाहर आती है। तो इन्वेंशन इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको मुहैया कराती है संसाधन जिससे कि वो अपना कार्य करके नॉलेज पैदा करें। इनोवेशन में जो इनपुट है वो नॉलेज है और बाहर जो निकलता है वो पैसा है। आप समझ रहे हैं, मतलब पैसा तो मैंने ऐसे कहा कि भाई न्यू न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, न्यू सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो हम उस नॉलेज को यूज करके, उसको कंज्यूम करके कैसे हम नए अपॉर्चुनिटी पैदा करें सोसाइटी के लिए, वो इनोवेशन है। कई बार ये इंडस्ट्री के थ्रू होता है, लेकिन डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि जो जब सोशल अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो उसके अंदर छोटे छोटे उद्योग हैं, उसके अंदर चाहे आपके वो वेमेन टेक्नोलॉजी पार्क हैं, किसी भी नाम से उनको बोले, किसी भी तरह की संस्था हो, वो भी उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, वो सोशल इनोवेशन कर सकते हैं उस नॉलेज पे आधारित। तो दो चीजें हैं, नॉलेज क्रिएट करना और नॉलेज को कंज्यूम करना, वो होता है इन्वेंशन और इनोवेशन का फर्क। ये दोनों साथ साथ मिलके कार्य करें तो निसंदेह हम जो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं उसका भरपूर उपयोग हो सकता है। तो मैं वापस ये कहना चाहूंगा कि हम इसको कॉन्सेप्चुअली अगर समझ लिया तो उसको कैसे जोड़ा जाए, इन्वेंशन और इनोवेशन को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वो साइलो में कार्य करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे इन्वेंशन इकोसिस्टम में बहुत कमियां नहीं है, कमियां तो हरदम रहती हैं और वो उनके बारे में अलग से बात होती रहती है, और कहते हैं कि भाई कैसे साइंटिस्ट का नंबर बढ़ाएं, कैसे उसमें बजट बढ़ाएं, कैसे ये सब करें, वो सब जरूरी है, लेकिन हमारी वीकनेस अभी भी वहां पर नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर हमने कोविड, अभी 19 का टाइम चल रहा है, उसमें देखा कि पिछले 5 महीने के पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था देश में, वहां पे मास्क भी नहीं बनते थे, यहाँ पे PPE नहीं बनते थे, यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे, यहाँ डायग्नोस्टिक्स नहीं थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, सब इम्पोर्टेड था। 5 महीने के अंदर अंदर अब न केवल हम इसमें आत्मनिर्भर हो गए हैं, और बेस्ट ऑफ गुड ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ये नहीं कि खाली वो जुगाड़ से कुछ बना दिया, बेस्ट ऑफ डिजाइन, बेटर देन वॉट वी वर इम्पोर्टिंग, और हमारे पास अब इतनी कैपेसिटी है 5-6 महीने के अंदर कि इन सबको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? तो इस बारे में कैसे संभव हुआ कि पहली बार जब हमें पता चला कि COVID-19 का कुछ करना है, तो हमारे जितने भी ये सेक्शन थे इन्वेंशन और इनोवेशन वाले, उन्होंने एकदम जग गए और साथ साथ कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मुसीबत है जो मेरे पे भी आ रही है। सो देर वॉज ए शेयर्ड विजन, देर वॉज ए शेयर्ड ओनरशिप ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो इंडस्ट्री हो एक तरफ, इधर हमारी R&D लैब, CSIR हो, यूनिवर्सिटी हो, IIT हो, गवर्नमेंट हो। मैं बताऊं आपको, एक वो वेंटिलेटर बना रहे थे, अब बहुत अच्छा बन गया है वो, तो उनके वो डायरेक्टर, वो एक IIT ने फोन किया रात को 11 बजे, बोले कि हमें पैसे की जरूरत है। मैंने कहा कब चाहिए? उन्होंने बोला कल चाहिए। तो एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने 50 लाख रिलीज कर दिया, उनको 1 करोड़ चाहिए था, राइट? तो इसमें मतलब हमारी जो प्रोसेस थी
उसको हमने मतलब त्वरित गति से लागू किया, ये समझकर कि ये जो काल है इसमें हमें साथ साथ कार्य करना है। फाइल वगैरह बाद में होती रहेगी, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा वो भी बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये जो है कि हम वो बाहें चढ़ाकर कमर कसकर हम ये देखें कि ये हमारी समस्या है, इसका हल जरूरी है। और इसके लिए शुरू से इंडस्ट्री, स्टार्टअप, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, इन सब ने बिल्कुल रात दिन मिलके कार्य किया। तो जब तक हम में वो ऊर्जा और वो ये इसकी समझ नहीं होगी, तब तक वो बिजनेस एज यूजुअल होगा। तो बिजनेस एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं 50 साल से, 75 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो उससे हमें हटके अलग कार्य करना होगा। हमारे पास अब ये इसकी हमारे पास लग्जरी नहीं है कि हम अगले और 75 साल इसके लिए वेट करें। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा आपने ये जो कदम उठाया है, हम जो जिस चीज पे वार्तालाप कर रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। और ये महत्व अगर हम इस पे फोकस करें कि कैसे लोगों ये जोड़ा जाए, इनके बीच में कैसे जुड़ाव पैदा होगा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। मेरे अभी इतना समय नहीं बचा होगा कि मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करूं, लेकिन ये जरूरी है कि अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, तो वो इसमें कार्य करते हैं कि क्या जरूरतें हैं लोगों की ग्रास रूट्स पर। तो वो लोगों से बात करके बहुत सारे नए नए आइडिया आते हैं, उसके नए नए सॉल्यूशंस भी आते हैं। इतनी बहुत बड़ी मोटी बुक है अगर आप देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत लोगों को पता है। तो हम उसके बारे में उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं निदानों को बार बार शोध करते रहते हैं। तो उसको उस शोध को, शोध तो हो चुकी, उस शोध को अब हम कैसे उसमें परिवर्तित करें अपॉर्चुनिटीज के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो NIF जैसे कार्य करती है आत्मनिर्भर, ये जब जो रूरल अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें ये बहुत जरूरी है जानना कि वो जो बिजनेस हम पैदा कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वहाँ लगाएंगे, वो लोकली रेलेवेंट हो, वो लोकल रिसोर्सेज को यूज करे, वो लोकल स्किल पैदा करे, वो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो फाइनेंस को यूज करे। तो जिससे कि लोगों का वहाँ से पलायन जो होता रहता है आजकल पूरे, अब देखिए हिमालय में सारे गांव के गांव खाली पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं सारे, वहां से सब लोग भाग करके शहर के अंदर आ गए हैं। क्यों? इसके कारण ये नहीं है कि उनके पास नेचुरल संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा है। अभी नॉर्थ ईस्ट का ही लें आप आइडिया, वहां पे बेम्बू इतनी ज्यादा खेती होती है, खेती, लेकिन उसमें पहले तो पॉलिसी ये थी कि बेम्बू को फॉरेस्ट का भाग माना जाता है, तो उसमें जो फॉरेस्ट एक्ट होता है वो लागू होता था। वहां पे आप काट नहीं सकते बेम्बू को, वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें पॉलिसी नई आई कि वो बेम्बू जो होगा बांस की, उसको फॉरेस्ट नहीं मानेंगे, उसको खेती मानेंगे, क्रॉप। तो अब वो एग्रीकल्चर में आ गया। तो जो जो एनेबलिंग पॉलिसीज हैं वो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि ये उदाहरण है। पर वहीं पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं इस बात को खत्म करने के लिए आपको ये उदाहरण एक देना चाहूंगा कि कैसे एंड टू एंड हमारा जो इकोसिस्टम है वो काम करना जरूरी है। चलिए मान लिया कि आपने बेम्बू को खेती घोषित कर दिया, अब उसके अंदर हो सकता है कुछ फाइनेंसेस वगैरह भी लगेंगे तो बेम्बू की खेती होगी। दूसरी समस्या ये थी कि हमारे जो बेम्बू उगता है वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन द नॉट्स वेरिएबल, उनका जो डायमीटर है बेम्बू का वेरिएबल, और उसके जो स्ट्रेंथ है उसकी जो वेराइटी है वेरिएबल, तो उसकी जो लोग मशीन लगाते हैं प्रोसेसिंग के लिए वो भी काम नहीं करती, और जो उसका जो क्वालिटी प्रोडक्ट आता है वो भी वेरिएबल है। तो उसके अंदर सो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें थोड़ा शोध की जरूरत है। तो इसमें इसके भी निदान हैं, क्योंकि ये आप है जो बेम्बू को कल्चर के द्वारा अच्छी वैरायटी पैदा कर ली गई हैं, पर दे हैव टू डिफ्यूज विद द फार्मर्स कि आपको ये वैरायटी यूज करनी होगी, वही बोना होगा। अच्छा, उसके मोनोकल्चर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक डिजीज आती है तो पूरी की पूरी खेती खत्म हो जाती है एक वायरस से। सो इसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करना जरूरी है,
जिससे कि बेम्बू की खेती आगे बढ़ जाए बहुत तेजी से। अच्छा, उसके बाद खेती बढ़ भी गई तो क्या करेंगे? उसके लिए मशीन की जरूरत है उनको प्रोसेस करने के लिए, उनकी टाइल्स बनाने के लिए, उनका फर्नीचर, उनका वो मकान बनाने के लिए, ये सब। अभी हमने देखा कि ये सारी मशीनें तो चाइना से आ रही थी। अब आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो वो मशीन बनाना बहुत बहुत ऊंची साइंस नहीं है, लेकिन उसको बना करके और फिर उस उन तक पहुंचाना, ये भी करना जरूरी है। उसके बाद किस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके बारे में बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मार्केट तक उनको कौन ले जाएगा, मार्केटिंग वेरी असेंशियल। इनफैक्ट दिस थिंग हैज बीन ट्राइड लॉन्ग टाइम अगो, देयर वाज ए बेम्बू मिशन, नेशनल बेम्बू मिशन। अब मैंने देखा कि वो कैसे चौपट हो गया। वो 20 साल पहले चला था, बहुत कुछ कार्य हुआ, नई नई उन्होंने यूनिट लगाई, वो सब चौपट हो गई। तो उसकी अगर बहुत गहरी एनालिसिस की जाए कि किस तरह से वो सब चौपट हो गई, तो हमें पता चलेगा कि जो उसमें वीकनेसेस थी उनको कैसे निकाल करके जो नया बेम्बू मिशन है उसको कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। तो हम सभी लोग जो इसमें कार्य कर रहे हैं, हमें उस सेक्टर की बहुत गहराई तक उसकी समझ होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन से हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। ऐसे ही लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पर एक और एग्जांपल याद आ गया। तो अभी मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा भी ले चुका हूँ, अब मैं 1 मिनट ही लूंगा। और तो इसके अंदर ऐसा है, हमने एक मैपिंग की हिमालयज में, तो उसमें पाया गया कि लाखों जो उनके वो थे झरने, पानी जिनसे आता है, स्प्रिंग्स कहते हैं, लाखों झरने सूख गए हैं। उन पे लोकल उनकी आवश्यकताएं जो थी उस पर आधारित थी, चाहे उसे छोटा माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी का बना दिया जाए, उससे खेती की जाए, उससे पानी पीने का, सब सूख गए। तो अब उसके लिए मैपिंग कर ली, उसके लिए साइंटिफिक सिद्धांत भी निकाला कि उसको कैसे वापस रिजुवनेट किया जा सकता है, उन स्प्रिंग्स को, उनका पानी कहाँ से आता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर के द्वारा पता चला। उसके ड्रोन उड़ाकर सर्वे ऑफ इंडिया उनका अभी कर रहा है कि वो उनका जो डिग्रेडेशन है हैबिटेट का, उनका कैचमेंट एरिया किस तरह से सूख गया है, ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कौन करेगा उसे? हमने हमारी डिपेंडेंस सरकार पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम ये चाहते हैं कि पानी सिर्फ नल से ही आए। नहीं, मैं मानता हूं कि पानी नल से ही आना चाहिए, लेकिन उसका जो स्रोत है पानी के, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो एक पोखर हो, वो आपका लोकल पॉन्ड हो, आपकी लोकल झील हो, आपकी छोटी नदियां हो, इनको रिवाइव करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, जब तक हमें मतलब सिटीजन बेस्ड उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव है ही नहीं। ये कभी आज तक संभव हुआ नहीं और आगे भी संभव होगा नहीं। तो ये जो समस्याएं हैं, ऑफ कोर्स पानी के अंदर बहुत सारे बहुत महत्व है, और इसके इस पे आधारित कई सारे बिजनेसेस लोकल भी खड़े किए जा सकते हैं। तो ये जो है, इसमें जो एथिकल ग्रोथ है ना, ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हम अब 150वीं जयंती मना रहे हैं महात्मा गांधी की, 150वीं जयंती। उन्होंने 1929 में उन्होंने एक ग्रांड चैलेंज किया था साइंस का। उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए का, जो आज के शायद 50 लाख के बराबर है, 1 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने कहा आप एक चरखा विकसित कीजिए जो बहुत साइंटिफिक हो, जो बहुत एफिशिएंट हो, हाथ से करने वाला चरखा। तो ये जो एक सोल्यूशन है जिसको हम ग्रांड चैलेंज बोलते हैं, क्राउड सोर्सिंग आइडियाज जो है कि लोगों से आए और उनके समाधान भी लोगों से आए। अब मैं उसको और भी आगे बढ़ा के कहूंगा कि जो वो समाधान है उनके इम्प्लीमेंटेशन भी लोगों द्वारा हो। जब तक वो नहीं होगा तब तक साइंस बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो मैं जानता हूं आप सभी इस विषय में कार्य कर रहे हैं, यही है विषय जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। मैं ये चाहूंगा कि इसके लिए कुछ बहुत व्यवहारिक इसके बारे में विचार सुझाए जाए कि देखिए, हमारे यहाँ आप मतलब बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पे एक सुझाव और उसका सलूशन बताएं कि यहाँ आपकी CSIR लैब है, उसके डायरेक्टर भी हैं यहाँ पर और पुराने डायरेक्टर भी हैं, तो हम जानते हैं कि उस लैब के अंदर क्या-क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या क्या उनकी एक्सपर्टीज है, क्या रिसोर्सेज हैं।
आप बताइए कि वो जो लैब में इंफॉर्मेशन है, साइंटिस्ट हैं, वो सब कैसे उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर परिवर्तित होंगे, उनको कौन करेगा, कैसे करेगा, ग्राउंड में कैसे उनको लगाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में अगर हम बहुत कॉन्क्रीट सुझाव अगर उभर कर आए तो बेशक हम उनको एक्शन में परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे उसके लिए एक नई स्कीम की जरूरत हो, चाहे जो पुरानी स्कीम है उनके तहत उस पर कार्य करें। हमारे पास इस विजन की कमी है कि कैसे उस सोल्यूशन को लागू किया जाएगा। वो हो रहा है लेकिन लिमिटेड स्केल पर है, हर चीज को अब स्केल की जरूरत है। तो अगर अगर मान लो हम 100 लोगों का भला कर पाए या 1,000 का या 10,000 का, तो वो काफी नहीं है। तो इस तरह का सोल्यूशन हो जो स्केलेबल हो, इस तरह का सोल्यूशन हो जिसको लागू किया जा सके, और उसके लिए किन किन लोगों की, किस किस संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी जो साथ साथ मिलकर कार्य करें उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए। तो निसंदेह अब तो मैंने 7 मिनट ज्यादा ले लिए, तो अब मैं बस 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि अब ये बहुत बहुत ये उपयुक्त अपॉर्चुनिटी है आप सबसे इंटरेक्ट करने की, बात करने की। रोज रोज नहीं मिलती, रोज रोज तो क्वांटम मैकेनिक्स की बात होती है, तो वो तो हम अच्छी तरह कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि समाज के सभी अंग आत्मनिर्भर हों, और आत्मनिर्भर मतलब नहीं कि हर आदमी और हर संस्था आत्मनिर्भर हो, पर मिलजुल के कार्य करके वो आत्मनिर्भर बन जाए। तो आत्मनिर्भरता के 3 कल्चरल पार्ट हैं जो मैं आपको साझा करना चाहूंगा, उसकी भी बहुत जरूरत है जब हम ग्रास रूट्स पे कार्य करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, वो बहुत कम पाया जाता है, हमारे इवन टॉप ग्रेजुएट्स में, पीएचडी स्टूडेंट्स में भी कम पाया जाता है, बल्कि मेरे को लगता है कि जो रूरल में काम करते हैं उनमें थोड़ा आत्मविश्वास ज्यादा होता है, लेकिन जब वो हम पीएचडी करना चालू कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे हार्वर्ड के साथ कम्पीट कर सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो इसको कैसे एज ए सिस्टम इनकलकेट करें हम अपने एंटरप्रेन्योर्स में, इवन IIT स्टूडेंट्स आई हैव सीन, दे डोंट हैव आत्मविश्वास कि दे कैन बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। आई हैव पुश्ड सो मेनी पीपल, आई हैव मेंटर्ड फॉर देम टू हैव स्टार्टअप, आई रिफ्यूज टू राइट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर देम फॉर गवर्नमेंट जॉब, फॉर एकेडमिक जॉब। आई सेड आई रोट ए पर्सनल चेक, आई सेड इन प्लेस ऑफ रिकमेंडेशन लेटर आई राइट यू अ पर्सनल चेक, यू स्टार्ट दिस बिजनेस, इफ यू डोंट सक्सीड यू डिसअपियर विद माई मनी। बट आई हैड द आत्मविश्वास इन देम, दे डिडंट हैव द आत्मविश्वास, आई न्यू दे विल सक्सीड, दे कैन नॉट फेल, राइट? सो एंड दे इंडीड डिडंट फेल, बट ये आत्मविश्वास को कैसे हम एक सिस्टम के तहत इसको विकसित करें, इसको आगे बढ़ाएं कि वो कर सकते हैं इस चीज को, न केवल वो कर सकते हैं, वो करेंगे। दूसरी चीज जो आत्मनिर्भरता जिस पे आधारित है वो है आत्मसम्मान, और वो खासकर अगेन छोटी जगहों में थोड़ा कम हो जाता है, खासकर वो बड़े लोगों से बात करते हैं तो, और वो सो कॉल्ड बड़े लोग भी उनको अलग दृष्टि से देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर जो लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते उनकी इंटेलिजेंस भी कम है, वो ऐसा सोचते हैं। तो उनको भी आत्मसम्मान की जरूरत है, और हर आदमी को आत्मसम्मान की जरूरत है जिससे वो आत्मविश्वास पैदा कर सके। आत्मनिर्भरता इन दोनों के बिना कभी नहीं आ सकती। तो उसके कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट है आत्मनिर्भरता के, कुछ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो बहुत डीप रूटेड है, यहाँ से लेके वहां तक इनकी कमी है। और तीसरी चीज जो हम अभी कर रहे हैं वो आत्मचिंतन है। तो आत्मचिंतन, आत्मचिंता नहीं, लोग नेगेटिवली आत्मचिंता करते रहते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, और ये इन सब की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली आत्मचिंतन करके हमें जानना है कि हमारी कमी क्या है, और उस कमी को सुधारने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या संसाधन हैं, और प्रैक्टिकली उनको कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, न केवल कॉन्सेप्चुअली, बट वी मस्ट हैव ए वेरी क्लियर रोड मैप कि ये है, इस ये करना है, और वो कैसे करेंगे, और वो व्यवहारिक होना चाहिए सोल्यूशन। तो ये एक्चुअली मैंने जब पहले IIT कानपुर ज्वाइन किया था 90 में, तब मैंने एक कॉन्फ्रेंस की थी उसी उसी ईयर,
वो ये था कि एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड इंटरेक्शन, उसमें रतन टाटा मेन स्पीकर थे, चीफ गेस्ट थे। उसके बाद हमने एक किताब निकाली थी उन सब प्रवचनों की जो वहाँ पे किए गए थे। आप उन उस किताब को आज भी खोल लेंगे और आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इसी विषय पर, वो वही बात कह रहे हैं जो 30 साल पहले उस किताब के अंदर है। तो हमने जो ये सफर किया है 30 साल का, वो बहुत समय के हिसाब से बहुत लंबा सफर लगता है, लेकिन जो उसका उसके जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं इस बारे में आप सभी से कहता हूँ, विचार करें कि खाली कॉन्फ्रेंस से ये समस्या हल नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस उसका बहुत बड़ा भाग है, उसके बारे में विचार करना, आत्मचिंतन करना उसका बहुत बड़ा भाग है, लेकिन उसके हमें बहुत एक्शनेबल आइटम निकाल के लाने होंगे। नमस्कार, मैंने बहुत बहुत ज्यादा समय, 10 मिनट ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मेरा अच्छी तरह ख्याल है कि ये आपका वर्कशॉप जो है, कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत अच्छा जाएगा, और आप इन चीजों पर विचार करके, आपके पास आइडियाज हो तो हमें भी भेजें, हम भी और लोगों को भी भेजेंगे जहां भी उचित होगा उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। धन्यवाद।